बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारी 3.4 कंटिन्यू है इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स जो हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 15 पार्ट और क्वेश्चन 2 के जो उसी जैसे पार्ट थे, थर्ड पार्ट था और आई थिंक 4 नंबर थर्ड पार्ट था, 6 पार्ट था और 7 पार्ट था। ये तो क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट थे, 3rd, 6th एंड 7, और क्वेश्चन 1 का 15। उनमें से मैंने आपको 2 पार्ट्स करा दिए थे, क्वेश्चन 1 का 15 और क्वेश्चन 2 का 3rd, बाकी दोनों पार्ट्स ऐसे थे। आज हम क्वेश्चन 2 के बाकी पार्ट्स करते हैं। देखें, पहला पार्ट है इंटीग्रल 10 की पावर 4। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि इसको ब्रेक कर दें 10² × 10² की फॉर्म में। ठीक है, अब आपको पता है कि 10² किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता। इनमें से मैं एक फंक्शन को चेंज कर रहा हूँ, सेकेंड वाले को, मैं एक ही बात है वो मैं तरतीब इसको कर देता हूँ, sec²-1 dx। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 10²x × sec²x dx, और माइनस वन को जब 10² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10² आ गया। अब यहाँ देखें कि 10 बेस में है और इसकी पावर कितनी है 2, और बेस का डेरिवेटिव 10 का sec² उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि किसी भी फंक्शन की पावर में 1 का प्लस होगा जब बेस का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद है। तो अभी 10 की पावर में आप क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे क्योंकि बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। यहाँ 10² अकेला आ गया, फिर आप इसकी कन्वर्जन कर दें, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे sec²-1, यह आ गया 10³x/3। इसको लिखें, sec² अलग कर दें, माइनस माइनस प्लस, और 1 की इंटीग्रेशन अलग कर दें, यह आ जाएगा 10³x/3 − 10x, और 1 से क्या बना x, और अब एंड पे प्लस c। इसी तरह यहाँ देखें, सीकेंड की अब पावर 4 आ गई है, तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, sec²x × sec²x dx। एक sec² की जगह मैं आइडेंटिटी पुट कर रहा हूँ, 1 + tan²x किसके इक्वल होता है, sec² के। अब sec² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sec² 1 से मल्टीप्लाई होकर sec²x आ जाएगा, और tan² के साथ ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में ऐसे आ जाएगा dx। अब sec² किसका डेरिवेटिव है, 10 का, और यहाँ देखें 10 का डेरिवेटिव sec² मौजूद है, तो 10 की पावर में 1 ऐड हो जाएगा और प्लस c। तो फाइनल आंसर आ गया 10x + sec³x/3 tan³x/3 + c। यहाँ देखें, यहाँ पे 10 की 3 पावर है, तो मैं इसको यूँ ब्रेक कर रहा हूँ, 10²x × 10x × sec²x, और 10² को अगर मैं चेंज करता हूँ sec²x − 1 में, और इसकी मैं तरतीब थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, sec²x × 10x में पहले लिख रहा हूँ dx। अब जब sec²x 10x को मैं sec के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं sec³ नहीं बनाऊँगा, मैं यूँ लिखूँगा sec²x × sec²x 10x। ये अभी आपको मेरी बात समझ आ जाएगी ये मैंने क्यों किया। तो 4 पार्ट में क्या है, 10³x × sec² है। इसमें हम ये करेंगे कि 10² कर देंगे, इसके साथ 10 की 1 पावर अलग कर देंगे और sec² कर देंगे dx। अब 10² को मैं चेंज कर रहा हूँ आइडेंटिटी की सूरत में, sec²x − 1, और इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, sec²x × 10x dx। अब जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो sec² को sec के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यूँ लिख रहा हूँ, sec²x के साथ sec²x 10x dx, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sec²x 10x dx। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैं ये शो करना चाह रहा हूँ या ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सीकेंड फंक्शन है जिसकी पावर 2 है, और सीकेंड का डेरिवेटिव ये sec²x 10x साथ दिया हुआ है। तो जब किसी फंक्शन का बेस का डेरिवेटिव साथ होगा तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर में 1 ऐड करते हैं। तो अब इसका आंसर क्या होगा, सीकेंड की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, यानी sec² + 1, डिनोमिनेटर में भी 2+1, और ये माइनस है, माइनस sec²x 10x किसका डेरिवेटिव है, sec²x का, प्लस सी। तो फाइनल फॉर्म ये आ जाएगी, sec³x / 3 − sec²x
प्लस सी। अच्छा फिर ये एट नंबर पार्ट है, इसमें भी क्यूब है, तो क्यूब को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स डी एक्स। अब इसमें से देखें कि क्या कोई दोनों में से एक फंक्शन ऐसा है जो किसी का डेरिवेटिव है। तो अगर आपको याद हो कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, तो माइनस का कोई इशू नहीं, ये क्योंकि डेरिवेटिव है तो इसको v के तौर पे लेके चलेंगे और इसको u के तौर पे, ठीक है। तो दिस विल बी u एज इट इज, कोसिकेंट स्क्वेयर की इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वेयर x dx और होल इंटीग्रेशन। अब कोसिकेंट स्क्वेयर जैसे मैंने कहा कि कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट, तो अब माइनस नहीं है तो समझो एक माइनस इसके साथ हम जुबानी लिख रहे हैं और एक माइनस एडजस्ट करने के लिए, तो माइनस कॉट एक्स इसका आंसर आ जाएगा। कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और इधर से माइनस कॉट एक्स डी एक्स, तो ये बना माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, तीन माइनस है, वन टू थ्री, माइनस आ जाएगा कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब ये जो कॉट स्क्वेयर है इस पर मैं आइडेंटिटी यूज़ करने लगा हूँ, कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन डी एक्स, ये आ जाएगा जी कोसिकेंट क्यूब एक्स डी एक्स, और माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ देखें कोसिकेंट क्यूब एक्स, यही क्वेश्चन था, ये रिपीट हो गया है, इसका मतलब है कि हम इसको नाम दे देते हैं ऐसे कैपिटल आई का, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस आई, और इंटीग्रल कोसिकेंट एक्स अगर आपको याद हो नेचर लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, आई को इधर ले आए, आई प्लस आई हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस नेचर लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, अभी सी नहीं लिखना, ये टू आई हो जाएगा, ये सारा कुछ एज इट इज़, और फिर टू से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा वन बाई टू माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, और अब एंड पे प्लस सी आएगा, ठीक है जी। जी अब जो इसका पार्ट नंबर है फाइव ये, और क्वेश्चन फोर का पार्ट नंबर सिक्स, ये दोनों बिल्कुल फोटोकॉपी हैं, ये एक्स क्यूब ई की पावर फाइव एक्स डी एक्स है, और वो है एक्स स्क्वेयर ई की पावर ए एक्स, यानी उसमें एक्स की पावर टू है और इसमें एक्स की पावर थ्री है, तो एक्स की पावर थ्री जो है ये यू हो जाएगा और ये वी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने बताया था लास्ट टाइम कि जितनी u की पावर होती है ना उतनी दफ़ा उसमें फार्मूला अप्लाई होता है, यानी अब इसमें पावर थ्री है तो एक दफ़ा के बाद ये पावर टू रह जाएगी, एक और दफ़ा फार्मूला लगेगा वन पावर रह जाएगी, और जब तीसरी दफ़ा फार्मूला लगेगा तो ये x यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो u एज इट इज़ e की पावर फाइव एक्स की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर फाइव एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन। अब x e की पावर फाइव एक्स, अब पावर का डेरिवेटिव कितना है फाइव, तो एक फाइव समझो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक फाइव से डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई होने की वजह से ई एज इट इज़ आ जाएगा और जो डिवाइड हो रहा है वो इसके नीचे ऐसे लिख दें, ठीक है, यानी ये मैंने स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वेयर इधर से ई की पावर फाइव एक्स ओवर फाइव डी एक्स ओवर फाइव, ये थ्री ओवर फाइव बाहर निकाल दें और दोबारा एक्स स्क्वेयर एज ए यू और ई जो है वो एज ए वी
होल इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5 एक्स स्क्वेयर ई की पावर 5x ओवर 5, ये आ गया 2x ई की पावर 5x ओवर 5 dx। नेक्स्ट स्टेप करने से पहले जितनी ब्रैकेट्स हैं वो ओपन कर दें ताकि क्वेश्चन ज़रा आसान फॉर्म में रहे, नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्रैकेट्स कंफ्यूज करेंगी। ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर इंटू ई की पावर 5x ओवर 5, 5 ज़ा 25, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, 5 5 ज़ा 25, तो ये इंटीग्रल x e की पावर 5x dx। अगेन इस पे u इंटू वी फार्मूला लगेगा, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5x dx होल इंटीग्रेशन। एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 5x ओवर 5 एज इट इज माइनस 3x स्क्वेयर इंटू ई की पावर 5x ओवर 25 प्लस 6 ओवर 25 एक्स ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया और आगे से ई की पावर 5x ओवर 5 dx। इसमें भी अब आखिरी स्टेप रहता है, तो ये फिलहाल ऐसे रहने दें। यहाँ से ये 1 ओवर 5 बाहर आ गया तो क्या बच गया, e की पावर 5x, तो e की पावर 5x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर 5x ओवर 5 और प्लस ए। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बस ये इसका फाइनल आंसर है। प्लस 6x ई की पावर 5x ओवर 125 माइनस ये 25 ये भी 25, 6 ओवर 625 ई की पावर 5x प्लस ए। तो इस पार्ट नंबर 5 में कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं था, सिर्फ ये कि 3 दफ़ा तो फार्मूला लगाया और चौथी दफ़ा जो अकेली इंटीग्रेशन हुई है उस पे जाकर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो इसमें ज़रा वर्किंग ज़्यादा थी, बार बार खासी टर्म्स हमें लिखनी पड़ रही थी जिससे हम थोड़ा सा कह लें कि बोर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है, बस ये जैसे मैंने बताया था कि यू की जितनी पावर होती है उतनी दफ़ा उसमें फार्मूला अप्लाई होता है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीट कर लिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन 3 और ऑनवर्ड करेंगे। Till then, Allah Hafiz.